उद्योगपति रतन टाटा को जानवरों से बहुत प्यार था, कुछ ऐसा कि उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल के दरवाजे हमेशा आवारा जानवरों के लिए खुले रखे। रतन टाटा के निधन के कुछ दिन बाद अब उनकी वसीयत की कुछ जानकारी सामने आई है। इनमें सबसे दिलचस्प है कि उन्होंने अपने पेट टीटो की हमेशा देखभाल करने की बात लिखी है। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी में अनलिमिटेड केयर शब्द का इस्तेमाल किया है। रतन टाटा की कुल संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए की बताई जाती है। वसीयत के मुताबिक इस संपत्ति का बंटवारा कई लोगों में होगा, जिनमें उनके करीबियों के साथ साथ घर के स्टाफ भी शामिल हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने रतन टाटा की वसीयत को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक टीटो को करीब 5-6 साल पहले गोद लिया गया था। लंबे समय से रतन टाटा के कुक रहे राजन शॉ अब टीटो की देखभाल करेंगे। वसीयत में 3 दशक से रतन टाटा के साथ रह रहे उनके रसोइये सुब्या का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट बताती है कि रतन टाटा विदेश यात्रा के दौरान उनके लिए डिजाइनर कपड़े लाते थे। इसके अलावा रतन टाटा के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रहे शांतनु नायडू का भी वसीयत में नाम है। वसीयत में रतन टाटा ने नायडू की कंपनी गुड फेलोज में हिस्सेदारी छोड़ दी। साथ ही नायडू के विदेश में पढ़ाई के दौरान लिए गए लोन को माफ कर दिया। रतन टाटा की संपत्तियों में उनका अलीबाग स्थित 2,000 वर्ग फीट का बंगला, जुहू में एक 2 मंजिला घर, 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट भी शामिल हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी संपत्ति टाटा सन्स में उनकी 0.83% की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा सन्स में उनकी हिस्सेदारी को उनके चैरिटेबल ट्रस्ट रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन यानी RTEF में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स समेत टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियों में रतन टाटा की हिस्सेदारी भी इसी ट्रस्ट को दी जाएगी। साल 2022 में इस ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। टाटा सन्स के मुखिया एन चंद्रशेखरन अब इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बन सकते हैं। 86 साल के रतन टाटा का 9 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। रतन टाटा को कुत्तों से किस तरीके से प्यार था, उससे आप एक किस्से से समझ सकते हैं। साल 2018 में रतन टाटा को बकिंगहम पैलेस से न्योता आया। तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स, जो कि अब किंग चार्ल्स हैं, उन्होंने उनके परोपकारी प्रयासों के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार देना चाहते थे, लेकिन टाटा ने आखिरी समय पर अपनी यात्रा रद्द कर दी, क्योंकि उनके 2 कुत्तों में से एक गंभीर रूप से बीमार था। उनके करीबी दोस्त सुहेल सेठ ने इस घटना को याद किया, बताया कि उस दिन टाटा को संपर्क करने की बहुत कोशिश की गई, मगर फोन नहीं उठ रहा था। जब आखिरकार बात हो पाई तो टाटा ने कहा, टैंगो और टीटो मेरे कुत्ते, उनमें से एक बहुत बीमार हो गया है, मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता। सुहेल ने अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं माने। जब किंग चार्ल्स को बताया गया कि रतन टाटा कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे, तो वे भी उनकी प्रशंसा करने लगे और खुद को रोक नहीं पाए। इस खबर को लिखा था हमारे साथी साकेत ने। मैं उशवानी, बाकी दुनिया से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।